आपका क्वेश्चन है प्रूव दैट, क्या दिया है देखो, 2 sin² 3π/4 प्लस 2 cos² π/4 प्लस 2 sec² π/3 इज इक्वल टू 10। तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द डिग्रीज कि कितना डिग्री है ये, ठीक है। नाउ तो हियर इट कम्स 3π/4, तो वी नो दैट पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 3π/4 दैट मीन्स इट्स इक्वल टू 3 × 180/4। तो 4 और 180 को कट करते हैं तो इट कम्स एज 45, तो 45 × 3 इज 135, तो इट्स कम एज 135 डिग्री। तो यहां पर हमने लिख दिया 135, बट 135 का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, है ना। तो वी कैन गो फॉर 90 में जा सकते हैं हम, तो 90 प्लस 45, ठीक है, और 180 माइनस 45 इज 135। तो हम दोनों में से किसी में भी जा सकते हैं, तो हमने क्या किया, इसको 180 माइनस 45 में किया, तो इसको हमने लिख दिया यहां पर 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, क्योंकि 90 में जाओगे तो यू हैव टू कन्वर्ट इट, ठीक है ना। इसलिए हमने 180 माइनस 45 इज 135। नाउ π/4, तो π/4 हमारा कितना होता है, 180 बाई 4 इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो यार इट विल राइट 45 डिग्री। π/3, 180 बाई 3 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो यार वी विल राइट 60 डिग्री, ठीक है ना। अब इसकी तरफ ध्यान दो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना। 180 माइनस 45 कौन से क्वाड्रेंट में आपका आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इट कम्स एज पॉजिटिव, तो वी कैन राइट पॉजिटिव, ठीक है ना। तो अब इसके हिसाब से वी विल डू दिस, तो देखो आपका क्या आएगा, तो 2 × 9 sin 45 डिग्री क्या होगा आपका, sin 45 इज 1/√2, तो दैट इज स्क्वायर, तो वी कैन से 1/√2² प्लस नाउ 2 × cos² 45 इज अगेन 1/√2, तो दैट इज 1/√2² प्लस 2 × sec² 60 डिग्री। तो sec² 60 डिग्री हमारा क्या होता है, तो sec देखो किसका रिसिप्रोकल है, cos का, तो cos का 60 डिग्री क्या होगा हमारा, 1/2, तो वी कैन राइट हियर 1/2² है ना। तो cos इज 1/2², तो sec इज रिसिप्रोकल ऑफ दैट, दैट मीन्स 2² ठीक है। ये देखो क्या हो रहा है, 2 × 1/√2² इज 1/2 प्लस 2 × 1/√2² इज 1/2 प्लस 2 × 2² इज 4, 2 और 2 गॉन, तो यहां पर बच गया आपका 1, प्लस 2 और 2 गॉन, यहां पर भी बच गया 1, प्लस 2 × 4 इज 8, तो कितना हो गया, 1 + 1 + 8 इज 10, तो नाउ वी कैन से LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ, ठीक है।